हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है बैककोड चैनल पे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इमेजेस के साथ वर्क करेंगे कि हम पाइथन के एप्लीकेशन में कैसे इमेजेस लगा के अपने एप्लीकेशन को और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ, पाइथन जीयूआई कोर्स के अंदर एक इमेजेस नेम से फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने दो इमेजेस रखी है, एक पीएनजी है और एक जेपीजी। हम दोनों इमेजेस को कैसे अपने एप्लीकेशन में लगाएंगे ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने जो है अपना वीएस एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 15 इमेजेस के नेम से पाइथन की फाइल बनाई हुई है। अभी ये यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने किंटर को इंपोर्ट किया है और उसकी थोड़ी जीयूआई बनाई है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इमेजेस फोल्डर में से पहले हम पीएनजी इमेज को रीड करेंगे। फ्रेंड, पीएनजी इमेज को रीड करने के लिए हमारे पास बहुत ईजी वे होता है, पाइथन जो हमें प्री डिफाइंड क्लास दे देती है फोटो इमेज। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने बोला फोटो इमेज एक क्लास है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इमेज का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मान लीजिए आइकन रख लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोटो इमेज को कॉल करते हैं। अब यहाँ पर हमें फाइल की हेल्प से अपनी इमेज का पाथ देना होता है। यहाँ पर मेरी इमेज जो है इमेजेस में है और यहाँ पर मेरी इमेज का नेम है image1.png। और अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो हमारा कोड रन हो गया और हमें किसी भी तरह का एरर नहीं आया। तो अब हमें इमेज लगानी कहाँ पर है, तो इमेज लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेबल का यूज़ कर सकते हैं, बटन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको लेबल का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेबल इमेज और यहाँ पर हम लेबल क्लास को कॉल कर लेते हैं और ये मेरा होगा रूट में। और इस पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ फिलहाल यूज़र नेम और इसको हम कर लेते हैं प्लेस और एक्स मैं कर देता हूँ इसको 50 और वाई दे देते हैं हम 50 और इसको करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा यूज़र नेम आ गया है। अब मैं चाहता हूँ ये जो इमेज वन है, मतलब एक बार आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे ये आइकन है एक तरह का ऐड यूज़र का, तो ये आइकन मैं चाहता हूँ अपनी यूज़र नेम के साथ लगाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इमेज का, इसको हम इसके अंदर पास करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज की हेल्प से यहाँ पर आइकन को पास कर देंगे दैट से। और अब अगर इस कोड को दोबारा रन करूँ तो ये देखिए हमारी जो है इमेज लग गई है, बट ये क्या, हमारा जो टैक्स है वो गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो तो लगी है बट टैक्स जो है हमारा हाइड हो गया है। अब टैक्स को भी शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड। अब ये कंपाउंड क्या करेगा, हमारी इमेज की पोजीशन सेट करेगा कहाँ पर लगानी है, चाहे वो लेफ्ट लगानी है, टॉप पर लगानी है, बॉटम पे या फिर राइट पे। मैं चाहता हूँ लेफ्ट पे, यहाँ पर मैं लिख दूंगा लेफ्ट और इसको करते हैं हम रन। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर आइकन आ गया और ये यूज़र नेम आ गया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इन दोनों के बीच में गैप हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम कर दें यहाँ पर स्पेस दे दें ऐसे और इसको करते हैं रन। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा गैप आ गया है, एक तो तरीका ये हो गया। बट आप जो है बार बार स्पेस देना नहीं चाहेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैड एक्स दे दें और इसको जितना आप देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 20 किया, ये देखिए 20 गैप पे। अब ये पैड एक्स यहाँ से भी गैप है और यहाँ से भी गैप है, बट हमने जो है प्लेस यूज़ किया इसलिए हमें यहाँ पर कोई भी गैप नहीं शो होगा। तो ये तो तरीका होगा पीएनजी इमेज लगाने का। अब जेपीजी लगाने का क्या तरीका है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल कर देता हूँ कमेंट और एक बार आपको जाता हूँ अपनी जेपीजी इमेज दिखा देता हूँ। फिर जैसा कि आप देखेंगे जेपीजी इमेज जो है हमारी एक तरह की बहुत बड़ी इमेज है, ना कि कोई आइकन है। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करेंगे अपने किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। तो जैसे आपके पास फोटो इमेज है क्लास, अब इसकी हेल्प से हम जो है जेपीजी इमेज तो लगा सकते हैं, बट उसके लिए हमें एक अलग लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर मैं आपके यहाँ पे कन्फ्यूज़न के लिए, मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, दिखा दूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे image2.jpg लिख दूँ और इसको करूँ मैं रन। तो ये देखिए इसने मुझे एरर दे दिया, कुड नॉट रिकॉग्नाइज डेटा इन इमेज फाइल दिस। तो मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ पर पीएनजी इमेज तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, बट जेपीजी के लिए हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। तो अब ये लाइब्रेरी कौन सी है, ये लाइब्रेरी है पिलो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल पिलो कर देंगे। तो ये क्या कर देगा, हमारे सिस्टम में पिलो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा अगर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुई। या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं अपने शेल से जाके, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने मुझे बोल दिया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो अब हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमारे पास तरीका होता है फ्रॉम PIL इमेज TK। तो यहाँ पे इमेज बड़ा आना था आई। अब इस तरीके से हमने जो है इमेज TK क्लास को इंपोर्ट कर लिया, मतलब मुझे यहाँ पे इंपोर्ट भी लिखना था। अब हमने जो है इमेज TK क्लास को इंपोर्ट कर लिया। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी JPG इमेज को रीड करेंगे। मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फोटो इमेज के आगे जाकर यहाँ पर लिख दूंगा इमेज TK.photoImage। अब इतना करने पर अगर मैं कोड को रन करूँ तो ये देखिए हमारा कोड जो है रन हो गया, हमें किसी तरह का एरर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
सिंपल ये जो लेबल है इसमें से मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट को हटा दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये मेरी एक तरह की बैकग्राउंड इमेज है, तो मैं इसको सिंपल एज ए बैकग्राउंड इमेज ट्रीट करूँगा। और यहाँ पर मैं कंपाउंड को भी हटा दूंगा। और ये कहाँ से स्टार्ट हो, ये मेरे स्टार्ट हो एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो, मतलब टॉप से स्टार्ट हो जाएगा। और इसको हम करते हैं रन। ये देखिए हमारी जो है इमेज वो लग गई है और काफ़ी सही लग रहा है। और अगर हम इसको बड़ा भी करें तो ये देखिए हमारी पूरी इमेज लग गई। अब आप क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम बना के इसके आगे जो है कोई भी इमेज के आगे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर विजेट्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम जो है अपनी दोनों इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपकी कंफ्यूजन दूर होगी अगर आपने इमेजेस यूज़ करनी अपनी पाइथन एप्लीकेशन में। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।